में मैं जिंदु पुर्जा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। खबर उन्नाव से है, जहां बेसिक शिक्षा विभाग एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। कंपोजिट ग्रांट घोटाले की जांच अभी ठंडी नहीं हो पाई कि एक माह पहले बीएसए उन्नाव का रिचार्ज संभालने वाले बीएसए जय सिंह ने नियमों को दरकिनार कर एक ही फर्म को 74 लाख के विद्युतीकरण कार्य का लेटर जारी कर दिया। डीएम को खेल की जानकारी होने पर डीसीओ से 12 घंटे में जांच रिपोर्ट तलब की। डीसीओ की जांच में बीएसए का खेल पकड़ में आ गया। डीएम ने बीएसए की अनियमितता की रिपोर्ट शासन को भेजी है। डीएम का कहना है कि सख्त कार्रवाई होगी। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक व जूनियर स्कूल से शासक स्तर से विद्युतीकरण कार्य कराया जा रहा है। जिले में 230 प्राथमिक विद्यालय व जूनियर विद्यालय में विद्युतीकरण कार्य होना है, जिसके लिए प्रति स्कूल 32,143 बजट जारी हुआ है। बीएसए ने नियम विपरीत ही एक फर्म त्रिपाठी ट्रेडर्स लखनऊ रोड गबडिया सुल्तानपुरा को 27 जुलाई को विद्युतीकरण कार्य कराने का लेटर जारी कर दिया। शासन के नियम के मुताबिक एक फर्म को नहीं बल्कि अच्छे कार्य की गुणवत्ता के लिए 4 से 5 फर्म को काम देना पड़ता है, जबकि बीएसए ने नियम के विपरीत अपनी चहेती फर्म को काम अलर्ट कर लेटर जारी कर दिया है। बीएसए का लेटर सामने आने के बाद डीएम उन्नाव रविंद्र कुमार ने पूरे मामले की गोपनीयता जांच सीडीओ से कराई है। सीडीओ दिव्यांशु पाटिल की जांच में पाया गया कि बीएसए नियमों को दरकिनार कर अपनी चहेती त्रिपाठी फर्म को 74 लाख के बजट से 230 प्राथमिक विद्यालय व जूनियर विद्यालय के विद्युतीकरण कार्य करने का लेटर जारी किया है। सीडीओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने बीएसए का अनियमितता की रिपोर्ट शासन को भेज दी है। डीएम की रिपोर्ट से बीएसए विभाग में हड़कंप मच गया है। डीएम उन्नाव रविंद्र कुमार ने बताया कि विभिन्न सूत्रों से जानकारी में आए कि बीएसए ने फर्म को विद्युतीकरण कार्य दिया है। मामले की तत्काल जांच आख्या सीडीओ से मांगी गई। बीएसए ने नियम विपरीत एक ही फर्म को विद्युतीकरण कार्य दिया है। बीएसए के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बीएसए के द्वारा एक ही फर्म है जो त्रिपाठी ट्रेडर्स सुल्तानपुर की, उसको विद्युतीकरण कार्य के लिए दायित्व दिया गया है, क्या है पूरा मामला, किसने कार्रवाई की है? विभिन्न सूत्रों से ये जानकारी में आई थी बात की बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जो स्कूलों में विद्युतीकरण कार्य होना है उसके लिए एक ही फर्म को पत्र जारी कर दिया गया है जो नियमों के विरुद्ध है। इस प्रकरण का संज्ञान आते ही तत्काल मुख्य विकास अधिकारी को से जांच आख्या मांगी गई। उनकी जांच आख्या शासन को प्रेषित की जा रही है और किसी भी स्थिति में कोई भी नियम विरुद्ध कार्य को अनुमति नहीं दी जाएगी।